गंगा किनारे एक संत का आश्रम था। आश्रम में रहकर तीन शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे। जैसा कि हर गुरु करते हैं, वह संत जी समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन उन्होंने शिष्यों को बुलाया और मंदिर बनाने का आदेश दिया। तीनों शिष्य गुरु की आज्ञा से मंदिर बनाने लगे। मंदिर पूरा होने में काफी दिन लग गए। जब मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया, तब संत जी ने तीनों को अपने पास बुलाया। उन्होंने पहले शिष्य से पूछा, जब मंदिर बन रहा था तब तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा था? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे पूरे दिन काम करना पड़ता था। लगता था कि मुझ में और एक गधे में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। मंदिर के निर्माण का कार्य करते करते मैं तो परेशान हो गया था। संत जी ने दूसरे शिष्य से भी यही प्रश्न पूछा तो वह बोला, गुरुदेव, मैं भी सारा दिन कार्य करता था। मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान मेरे मन में तो यही विचार आ रहा था कि जल्द से जल्द मंदिर बन जाए, जिससे ईश्वर प्रसन्न हो जाए और हमारा कुछ कल्याण हो जाए। संत ने तीसरे शिष्य को बुलाकर भी पूछा तो उसने भाव भरे हृदय से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा था। मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान मैं प्रतिदिन प्रभु का धन्यवाद करता था, क्योंकि उन्होंने मेरी मेहनत का कुछ अंश स्वीकार किया। मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। संत ने उसे गले लगा लिया। फिर अन्य शिष्यों को समझाते हुए कहा, तुम तीनों के कार्य करने के ढंग में अंतर था। मंदिर तो तुम तीनों ही बना रहे थे। एक गधे की तरह कार्य कर रहा था, दूसरा स्वयं के कल्याण के लिए और तीसरा समर्पित भाव से कार्य कर रहा था। भावों का यही अंतर तुम्हारे कार्य की गुणवत्ता में भी देखा जा सकता है। क्या किया जा रहा है वह तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कार्य के पीछे का भाव। जैसी भावना रहती है, फल उसके अनुरूप ही आता है। हम मंदिरों में जाकर भगवान को भजते हैं, हाथ जोड़े भजन गा रहे होते हैं, तभी कोई फोन आ जाए तो शुरू कर देते हैं वही दुनियावी प्रपंच। फिर से लग गए भजन में। आपका बस शरीर था वहां, हृदय नहीं। भगवान तो भैया मन में बसते हैं, तन में कहां। बात तब की है जब पांडव जुए में राजपाट हार कर वनवास झेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के सुझाव पर अर्जुन विभिन्न देवताओं को प्रसन्न कर उनसे शक्तियां प्राप्त कर रहे थे। वह प्रत्येक तीर्थ पर गए। अर्जुन अपनी यात्रा में रामेश्वरम पहुंचे। वहां श्री राम ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर विशाल सेतु का निर्माण किया था। अर्जुन को पुल निर्माण में श्री राम को आई बाधाओं और वानर सेना के परिश्रम के बारे में सुनने को मिला। अर्जुन अहंकारवश सोचने लगे कि श्री राम अतुलनीय धनुर्धर थे, फिर उन्हें पुल बनाने के लिए वानर सेना से पत्थर क्यों डलवाने पड़े। वह अपने बाणों की सहायता से समुद्र पर आसानी से पुल बना सकते थे। हनुमान जी को ये बात चुभी। वह अर्जुन से बोले, अगर तुम बड़े धनुर्धर हो तो क्या अपने बाणों से एक ऐसा पुल बना सकते हो जो सिर्फ मेरा भार सहन कर सके? अर्जुन इस चुनौती से तैश में आ गए। उन्होंने दिव्य बाण चलाए और फटाफट हनुमान जी के लिए एक पुल बना दिया। हनुमान जी ने अपना एक पांव रखा और पुल धंसकर समुद्र में समा गया। अर्जुन लज्जित हो गए। उन्होंने फिर प्रयास किया। हनुमान जी ने फिर वैसा ही किया। अर्जुन बार बार अपने दिव्यास्त्रों का आह्वान कर पुल बनाते और हनुमान जी ध्वस्त कर देते। अर्जुन को आत्मग्लानि हो रही थी। मेरी जिस धनुर्विद्या पर पांडवों का पूरा मान टिका हुआ है, उसमें इतना भी सामर्थ्य नहीं कि वही एक वानर के चलने योग्य पुल बना सके। अर्जुन ने प्रण किया कि अगर इस बार भी वह असफल रहे तो समुद्र में कूद कर प्राण दे देंगे। अर्जुन ने अपनी समस्त शक्तियों का आह्वान कर और श्री कृष्ण का स्मरण कर तीर चलाया और पुल बनाया। हनुमान जी फिर उस पुल को तोड़ने के लिए चढ़े, लेकिन श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र उसका आधार बन गया, जिससे पुल टूट नहीं पाया। श्री कृष्ण कछुए का वेश धरकर वहां आए। उन्होंने अर्जुन को आत्महत्या के विचारों के लिए खूब खरी खोटी सुनाए और अभिमान मुक्त होने की सीख दी। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, आप सूर्य देव के शिष्य और परम ज्ञानी हैं। आप स्वयं अतुलित बलशाली हैं।
एक वीर को दूसरे वीर का सम्मान करना चाहिए, न कि नीचा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। हनुमान जी को भी पछतावा हुआ। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी और अर्जुन से कहा, मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए महाभारत के युद्ध में तुम्हारे साथ रथ में स्थित होकर रथ को स्थायित्व दूंगा। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले रथ से उतरने का आदेश दिया। श्री कृष्ण सारथी थे और सारथी रथस्वामी से पहले उतरता है। प्रतिदिन यही होता था, लेकिन अंतिम दिन श्री कृष्ण ने उसके उलट आदेश दिया। अर्जुन ने हैरत से श्री कृष्ण की ओर देखा और रथ से उतर गए। श्री कृष्ण के उतरने के बाद हनुमान जी रथ से उड़ गए। उनके उड़ते ही रथ में भयंकर विस्फोट हुआ और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। पांडवों में खलबली मची। श्री कृष्ण ने कहा, डरने की बात नहीं, शत्रु पक्ष के दिव्यास्त्रों के प्रहार से यह रथ तो कब का नष्ट हो चुका था। इसे तो मैंने और हनुमान जी ने संभाल रखा था, हमारे रथ से अलग होते ही यह नष्ट हो गया। श्री कृष्ण न होते तो महाभारत की कथा ही अलग होती, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए भगवान न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम है, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्वपत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्वपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्कट इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों है, कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे शिवे, बिल के पत्ते मेरी जटा के समान है। उसका त्रिपत्र यानी तीन पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। ये सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया, आप ये कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सत्ययुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलतः मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिया हो गई, वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग्देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष 1 करोड़ वर्ष तक आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मानका कि श्रीहरि के हृदय में मेरे प्रभाव से शून्य वाग्देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्रीहरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है, वाग्देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। ये सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिल्व इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्वतीर्थ में एवं सर्वदेव में मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गोपियों के साथ वन में विहार कर रहे थे। संध्या काल का समय हो रहा था। सूर्य की किरणें छुप चुकी थीं और आसमान में चंद्रमा धीरे धीरे अपनी चांदनी बिखेर रहने को बढ़ रहे थे। वन के सुंदर पुष्प भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी सुगंध पूरे वन में बिखेर रहे थे ताकि प्रभु आनंद ले सके। धीमी धीमी चलती वायु बेला और रजनीगंधा पुष्पों की सुगंध को दूर दूर तक ले जा रही थी। प्रभु पुष्पलताओं की अभिलाषा समझ रहे थे, उन्हें भी मस्ती सूझी। प्रभु ने एक राग छेड़ दिया। उनका गायन सुनकर गोपियां मुग्ध हो गईं और नृत्य करने लगी। जंगल में मंगल छा गया। आनंदमय वातावरण में विघ्न डालने वहां एक यक्ष पहुंचा। उस यक्ष का नाम शंखचूर था। वह कुबेर का अनुचर था। उसने जब भगवान को संगीत में डूबा हुआ देखा तो मौका देखकर वह गोपियों को लेकर भागने लगा। चीख पुकार मच गई। श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई उस यक्ष की ओर लपके। बलराम जी ने फुर्ती से शाल के दो वृक्ष उखाड़ लिए। दोनों पलक झपकने भर की देर में शंखचूर के समीप पहुंच गए। शंखचूर समझ गया कि दोनों साक्षात काल ही है उसके लिए। शंखचूर ने गोपियों को वहीं छोड़ दिया और जान बचाने को भागा। श्री कृष्ण ने बलराम जी को संकेत में गोपियों की रक्षा के लिए वहीं रुकने को कहा और स्वयं शंखचूर के पीछे भागे। शंखचूर के मस्तक पर एक दिव्य चूड़ामणि थी जो इतनी प्रकाशित हो रही थी कि उसकी सहायता से वह वन में सरपट भाग रहा था। भगवान ने सोचा कि ये दुर्बुद्धि इस दिव्य मणि के योग्य नहीं है। इसे दंड देने के बाद वह मणि उन गोपियों को ही दे देना चाहिए जिनको उसने पीड़ा पहुंचाई है। भगवान ने शंखचूर को पकड़ लिया, उसके मस्तक पर एक जोरदार घूसा जमाया। उसके सिर से चूड़ामणि निकलकर गिर पड़ी और उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। प्रभु के हाथों उसका उद्धार हो गया। उन्होंने वह चूड़ामणि ली और वापस आ गए। प्रभु ने गोपियों को चूड़ामणि का निर्णय करने को कहा। सभी ने उसके लिए उनकी रक्षा के लिए साथ में डटे रहे बलराम जी को मणि के लिए सबसे उपयुक्त माना। प्रभु इस निर्णय से बड़े प्रसन्न हुए और मणि बलराम जी को भेंट कर दी। कंस के भेजे पूतना और त्रिनावर्त राक्षसों का श्री कृष्ण ने उद्धार कर दिया। अपने बालक के साथ लगातार होते अक्षकुंड से यशोदा मैया घबराई थी। वह तरह तरह के उपाय करती। गंगाचार्य यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे। वसुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की कि वह गोकुल जाकर नंदी के पुत्रों का नामकरण संस्कार करा दे। श्री गंगाचार्य समझ गए कि ये वसुदेव के ही पुत्र हैं। उन्होंने इस बात को गोपनीय रखने का वचन दिया और रज गए। नंदी उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए। नंदी ने उनसे दोनों बच्चों के नामकरण आदि संस्कार संपन्न कराने की विनती की। गंगाचार्य आए तो थे इसी कार्य से, लेकिन उन्हें ये बात प्रकट भी नहीं करनी थी। गंगाचार्य जी ने कहा, मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ। नामकरण संस्कार कराने से कंस यह मानने लगेगा कि ये देवकी के ही पुत्र हैं। वह पहले से भी घबराया हुआ है। तुम्हारी वह वसुदेव की मायत्री है। वह दुर्बुद्धि इन्हें वसुदेव पुत्र मानकर इनके अहित का प्रयास करेगा। देवकी की आठवीं संतान पुत्री थी और उसने कंस से कहा था उसको मारने वाला जन्म ले चुका है। यदि मैं नामकरण संस्कार करवा दूंगा तो मुझे पूर्ण आशा है कि वह इन बच्चों को मार डालेगा और ब्रजवासियों का अनिष्ट करेगा। नंदी को गंगाचार्य जी की बात समझ में आ गई, लेकिन वह ऐसे विद्वान महात्मा के हाथों ही नामकरण संस्कार कराना चाहते थे। नंदी ने कहा, यदि ऐसा है तो एकांत स्थान में चलकर इनके द्विजाति संस्कार करवा दे। मैं किसी को न्योता न दूंगा।
नंद के प्रस्ताव से गंगाचार्य प्रसन्न हो गए और उन्होंने एकांत में चुपचाप दोनों बच्चों का नामकरण करवा दिया। उन्होंने अपना अभीष्ट भी पूरा किया और वसुदेव जी को दिया गोपनीयता का वचन भी रख लिया। गंगाचार्य जी ने कहा, रोहिणी का ये पुत्र गुणों से अपने लोगों के मन को प्रसन्न करेगा, अतः इसका नाम राम होगा। यह असीमित बल का स्वामी है, इसलिए इसे बल भी कहा जाएगा। बल और राम के साथ इसे बलराम नाम भी मिलेगा। यदुवंशियों की आपसी फूट मिटाकर उनमें एकता स्थापित करेगा, अतः इसे संकर्षण भी कहा जाएगा। बलराम को योगमाया ने देवकी के गर्भ से खींच लिया था, इसलिए भी वह संकर्षण कहे जाते हैं। गंगाचार्य ने यशोदा और नंदी से कहा, तुम्हारा पुत्र अवतार ग्रहण करता रहता है, कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल, कभी पीला होता है। इस बार कृष्ण वर्ण का हुआ है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। तुम्हारे पुत्र के नाम और रूप गिनती के परे है, उनमें से गुण और कर्म अनुरूप कुछ को मैं जानता हूँ, दूसरे लोग यह नहीं जान सकते। ये गोकुल को आनंदित करता हुआ तुम्हारा कल्याण करेगा, इसके द्वारा तुम भारी विपत्तियों से भी मुक्त रहोगे, ये सबके लिए वंदनीय होगा। इसके कृपा पात्रों को शत्रु पराजित नहीं कर सकेंगे, जिस तरह विष्णु के भजने वालों को असुर नहीं पराजित कर सकते। तुम्हारा पुत्र सौंदर्य, कीर्ति, प्रभाव आदि में विष्णु के सदृश होगा, अतः इसका पालन पोषण सावधानी से करना। इस प्रकार कृष्ण के विषय में आदेश देकर गंगाचार्य अपने आश्रम को चले गए। एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, आप करोड़ों वर्ष तक दिन रात जागा करते हैं, जब सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष को सो जाते हैं, इससे समस्त संसार संकट में आ जाता है, अतः आप विश्राम का क्रम बनाए, इससे मुझे भी कुछ विश्राम मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कराए और बोले, देवी, मेरे जागने से सब देवों और खासकर आपको कष्ट होता है, आपको मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अब से मैं प्रतिवर्ष 4 मास शयन किया करूंगा, तब आपको और देवगुणों को अवकाश मिलेगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक 4 माह की मेरी यह निद्रा भक्तों के लिए उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में जो भक्त मेरे शयन की भावना कर सेवा करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान जागते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी या देवधावनी कहते हैं। श्रीहरि के शालिग्राम स्वरूप का देवी तुलसी के साथ विवाह कराया जाता है। हिंदू धर्म में विवाहोत्सव का मुहूर्त आरंभ होता है।